Hello everyone, I am Neha Singh. Welcome back to my YouTube channel Spoken English with Neha. Today we are going to study about the verb has, have, had or will have. ठीक है, ये छोटा सा नोट है. पास के अर्थ में किया जाता है, मतलब कि हैज हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग और विल हैव का प्रयोग हम लोग पास के अर्थ में करते हैं. जैसे कि मेरे पास किताब है, तुम्हारे पास दो बहनें हैं, उसके पास चार गाय हैं. ठीक है, इन सारे वाक्यों में क्या आ रहा है, पास का सेंस आ रहा है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उसके पास ये है. तो जब भी हम कोई चीज़ अपने पास में दिखानी होती है तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग has, have, had और will have का प्रयोग करते हैं. has, have प्रेजेंट में यूज़ होता है, had पास्ट में यूज़ होता है और will have फ्यूचर में यूज़ होता है. ठीक है, सो has, have, has सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है, have प्लूरल के साथ प्रयोग होता है. मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है. मैं बहुत डिटेल्स में आपको ये बातें बता चुकी हूँ. सो आज सिर्फ has सिंगुलर के साथ और have प्लूरल के साथ. ठीक है, had का प्रयोग हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हम लोग had का प्रयोग करते हैं. will have का प्रयोग भी हम लोग सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, दोनों के साथ हम लोग will have का प्रयोग करेंगे. यहाँ पर मैंने both लिख दिया है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों. ठीक है, सो ये थी कुछ बातें. अब स्ट्रक्चर पे आते हैं. यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब मतलब ये हैज़, हैव, हैड और विल हैव. उसके बाद जो भी आगे आपका वाक्य आए, नाउन, प्रोनाउन, जो भी आए, मैंने अदर वर्ड लिख दिया है. और एक और बात कि मैंने यहाँ पे चारों स्ट्रक्चर्स आपको नहीं दिए हैं. मैंने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, निगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे नहीं दिया है. मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको हर वीडियोज़ में आपको चारों स्ट्रक्चर्स मैं देती आ रही हूँ. मैंने इस वीडियो में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर दिया है. आप खुद से चारों स्ट्रक्चर्स, अगर आपको दिक्कत होगी तो आप चारों स्ट्रक्चर्स खुद से बना लीजिएगा. ठीक है, सो एग्जांपल्स देखते हैं. ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं कैसे एग्जांपल्स आएंगे. बहुत इजी, बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है. ठीक है, सो उसके पास कार है. ठीक है, जैसा कि मैंने बोला, पास के अर्थ में किया जाता है और प्रेजेंट के लिए हम लोग हैज हैव का प्रयोग करते हैं. तो पास में आया हुआ है और है आया हुआ है, इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. उसके पास तो ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. ही हैज़ अ कार, उसके पास कार है, मतलब एक कार है. ही हैज़ अ कार. ठीक है, राम को एक लड़की है, ये भी हमारा प्रेजेंट है. राम को एक लड़की है का मतलब है कि राम के पास एक लड़की है. यहाँ पे पास शब्द नहीं लिखा हुआ है, बट आपको सेंस से भी समझना होगा कि सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है. मतलब है कि राम को एक लड़की है का मतलब है कि राम के पास एक लड़की है. ठीक है, राम हैज़ अ डॉटर, राम हैज़ अ डॉटर. ठीक है, नेक्स्ट है, उसके पास तीन गाय थी, ये हमारा पास्ट में है. ही के साथ हैड, ही हैड थ्री काउज, ही हैड थ्री काउज. ठीक है, बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं. नेक्स्ट, रीता के पास धन होगा, ये हमारा फ्यूचर में जाता है. रीता विल हैव मनी, रीता विल हैव मनी. ठीक है, स्ट्रक्चर पे रख के बनाइए, सेंटेंसेस बहुत इजी से बनेंगे. आगे देखते हैं, मेरी पांच बहनें थी, ये हमारा पास्ट में है. आई हैड फाइव सिस्टर्स, आई हैड फाइव सिस्टर्स. उसके पास जीवन का एक मकसद है. ठीक है, उसके पास जीवन का एक मकसद है. ही हैज़ अ मोटिव ऑफ लाइफ, मकसद का क्या होता है, मोटिव. ही हैज़ अ मोटिव ऑफ लाइफ. ठीक है, नेक्स्ट है, आपके पास समस्याएं थे, यहाँ पे थी होगी, आपके पास समस्याएं थी. तो यू हैड प्रॉब्लम्स, यू हैड प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट, तब से आपके पास माँ है, तब से आपके पास माँ है. तब से के लिए होता है देयर आफ्टर, सो देयर आफ्टर हमारा अलग हो जाएगा. आपके पास माँ है, आप इतना देखिए, आपके पास माँ है. यू हैव मदर, यू के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है. यू हैव मदर, देयर आफ्टर यू हैव मदर. नेक्स्ट, क्या आपके पास पांच मंजिला मकान होगा,
विल यू हैव, ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। सो विल यू हैव फाइव स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, फाइव स्टोरी बिल्डिंग। नेक्स्ट, अभी भी उसके पास समय था, ठीक है, अभी भी उसके पास समय था, ये हमारा पास्ट में है। स्टिल, अभी भी का होता है स्टिल, स्टिल ही हैड टाइम, ही हैड टाइम, ठीक है। ये हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक था, एक ही टॉपिक में हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों क्लियर हो गया। अगर आप खुद से कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं तो ये टॉपिक बहुत इजी है, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हाँ, खुद से आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी। सो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कुछ वोकैब्स आपको दे देती हूँ, यहाँ पे कुछ वोकैब्स लिखे हैं, आप लोग को दिख रहे होंगे। पहला है स्टारवेशन, स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी, ठीक है। नेक्स्ट है माइजर, माइजर का मतलब होता है कंजूस। नेक्स्ट है फियरलेस, फियरलेस का मतलब होता है निडर। फोर्थ वन इज फ्लड, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, ठीक है। सो आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो भी टॉपिक्स हमारा क्लियर हो चुका है, उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा और साथ ही साथ बोलने की भी ज़रूर कोशिश करिएगा, क्योंकि चाहे जितनी भी ग्रामर आप पढ़ लें, चाहे जितना भी टॉपिक आप पढ़ लें, जब तक आप खुद से अपने मुँह से डिलीवर नहीं करेंगे सेंटेंसेस, तब तक आपको बोलने नहीं आएगा। तो जितना हो सके उतना बोलने की कोशिश ज़रूर किया कीजिए। सो ख़त्म करते हैं आज का सेशन, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप उस बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे, जल्द ही देख पाएंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।